फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। अभी हम LDCE एग्जाम 2019-20 के क्वेश्चन पेपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व किया विद डिटेल्ड आंसर। हम इस क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस में जिस क्वेश्चन को हम टच करते हैं उस क्वेश्चन के पूरे चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पर्पस ये होता है कि UPSC चाहे जितना मन करे अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर ले, चेंज कर ले, बदल ले, वी शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। सो इसलिए हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देते हुए उस चैप्टर को कंसाइज फॉर्म में ही सही समझते हुए आगे बढ़ते हैं। So, अभी क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह लीजिए, पॉलिटी कह लीजिए, इंडियन पॉलिटी कह लीजिए, दिज ऑल आर सिनोनिम्स। क्वेश्चन घुमा फिरा करके इधर से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सो इसलिए यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने पिछली बार देखा, क्वेश्चन का फॉर्मेट यह होता है, हिंदी पहले आता है, इंग्लिश बाद में आता है। 2 घंटे का क्वेश्चन है, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज प्रोविजन फॉर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। सो गलत आंसर हमें नहीं करना है। गलत आंसर करने से निगेटिव मार्किंग होती है, पेनल्टी मार्किंग होती है, एंड दैट गोज टू 1/3 ऑफ द मार्क्स गिवेन फॉर द क्वेश्चन दैट इज डिडक्टेड इफ द आंसर इज नॉट करेक्ट, राइट। सो इसलिए हमें वही आंसर करना है जो हमें आता है। एग्जाम क्रैक करने का ये भी एक तरीका है। जैसे आपने क्रिकेट तो देखते होंगे ना, तो क्रिकेट में ये आवश्यक नहीं कि हर बॉल को हिट किया जाए। कुछ बॉल इंटेंशनली ऐसे डाले जाते हैं जिनको टच कीजिए एंड यू आर आउट, यू हैव गॉन। ऐसे क्वेश्चन UPSC क्वेश्चन पेपर्स में डालने के लिए एक्सपर्ट है। सो हर ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं कि हर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं कि छू दिए निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इसलिए हमें बड़े केयरफुली क्वेश्चन पढ़ने हैं, गिवन ऑप्शन पढ़ने हैं, और तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है कि वेदर आई एम गोइंग टू गिव करेक्ट आंसर और नॉट। प्रोबेबिलिटी अगर 75% से ऊपर है तो यू मे टेक रिस्क, 50-50 पे रिस्क नहीं लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एनी पर्सन अदर देन द वन कवर्ड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस ए कॉलेज व्हिच फंडामेंटल राइट कैन बी क्लेम्ड बाय हिम हर फॉर मैनेजिंग दैट इंस्टीट्यूशन। सो आर्टिकल 30 जो है कुछ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। सो प्रश्न ये उठता है कि जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 30 में प्रोविजन दिए हुए हैं, उस प्रोविजन के अंतर्गत अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला व्यक्ति कोई कॉलेज इस्टैब्लिश करता है तो वो और क्या और किसी फंडामेंटल राइट से भी प्रोटेक्ट होता है? होता है। किससे होता है? राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। इसका उससे लेना देना नहीं है। राइट टू इक्वलिटी टोटल अलग है। राइट टू वन ऑफ द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19(1) और क्या है? राइट अंडर आर्टिकल 29। अच्छा, 29 और 30 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों के कंप्लीमेंट्री है। सो 29 हो सकता है क्या? इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। राइट अंडर आर्टिकल 41 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 41 फंडामेंटल राइट है ही नहीं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, 36 से तो फोर्थ पार्ट शुरू हो जाता है। सो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में अगर कुछ प्रोविजन है तो फंडामेंटल राइट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और यहां पर फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं,
सो इसलिए 41 तो गलत हो गया, आर्टिकल 14 नहीं होगा। अब चलते हैं बी और सी में। तो आर्टिकल 30 और 29 जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट सप्लीमेंट्री है। बच गया क्या? राइट टू वन ऑफ द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19(1). 19(1) में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये आएगा। सो दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर 19(1). सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में अक्सर हम सुना तो करते हैं बट ऊपर ऊपर ही निकल जाता है, अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। हम यहां पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, डंके की चोट पर समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि भूल नहीं पाए। आइए देखते हैं। सो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। दिस आर्टिकल इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। आर्टिकल 29(1) दिस प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रेसिडिंग इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। सो आर्टिकल 29(1) ये कहते हैं कि इंडिया के वैसे रेसिडेंट जिनके पास कुछ विशेष प्रकार के कल्चर हो, विशेष प्रकार के कुछ लैंग्वेज हो, विशेष प्रकार की दुर्लभ प्रकार की कोई स्क्रिप्ट हो, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भी कंजर्व करेंगे। ये आर्टिकल 29(1) में बताता है। जो लोग अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जो लोग घूमने जाते हैं, जरावा जनजाति का एरिया एक अलग है, वैसे ही और बहुत से ऐसे ट्राइब हैं, ट्राइबल एरिया है जहां पे जाना रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ एरिया में तो गवर्नमेंट अलाउ करती है टाइम टू टाइम, कुछ एरिया में टोटली रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, प्रोटेक्ट देयर स्क्रिप्ट अंडर आर्टिकल 29(1). आर्टिकल 29(2) द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट टू एनी पर्सन बेस्ड ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। क्या करना है? या तो गवर्नमेंट का कोई कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, और नहीं तो किसी ट्रस्ट का हो, किसी इंडिविजुअल का हो, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का ऐड जाता हो। किसी न किसी तरीके से या तो गवर्नमेंट 100% फाइनेंसिंग करती हो या गवर्नमेंट 5% फंड देती हो, प्रोपोर्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर गवर्नमेंट का ऐड वहां पर जाता है तो वहां पर एडमिशन सबका होगा, किसी का भी एडमिशन बेस्ड अपॉन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर डिनाई नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। एडमिशन किस बेसिस पर मना किया जाता है? सीट अगर 200 है, अप्लीकेंट 200,000 है, तो सबको एडमिशन दे देंगे क्या? नहीं दे सकते। तो फिर किस बेसिस पे डिनाई करेंगे? रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे? इनमें से किसी बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकते। आप डिनाई करेंगे मेरिट बेसिस पे, जिसका अच्छा मार्क्स आया हो, या कोई हम एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वालिफाई किया हो उसको हम एडमिशन देंगे। ये आर्टिकल 29(2) के अनुसार है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेस पर हम किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, राइट? ये है आर्टिकल 30। सो आर्टिकल 20 जो है 29 आर्टिकल 29 जो है बेसिकली आर्टिकल 29 जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज विद रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट। आर्टिकल 29(1) में क्या चीज प्रोटेक्ट हो रहा है? माइनॉरिटीज के कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट। और आर्टिकल 29(2) में क्या हो रहा है? आर्टिकल 29(2) में
बताया ये जा रहा हो कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज सब कुछ आ जाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, बट इट इज बीइंग एडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का फंड किसी न किसी तरीके से वहां पहुंचता है, तो उसमें जो एडमिशन होगा दैट एडमिशन विल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन बेस्ड अपॉन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं दे सकते, किसी का एडमिशन नहीं रोक सकते। कब नहीं रोक सकते? अगर गवर्नमेंट एड वहां पर जा रहा है तो, अगर गवर्नमेंट एड नहीं जा रहा है तो उसके लिए ये आर्टिकल 29(2) एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए कुछ और है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रूल बनाती है, प्राइवेट कॉलेज के को रेगुलेट करने के लिए अलग से रूल है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 29(1) एंड 29(2) है उसमें माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इशू है उसको डील किया गया है, राइट। अब हम देखते हैं आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी, इससे पहले गवर्नमेंट का था, अभी क्या है, कोई माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को परमिशन है क्या टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? क्या आर्टिकल 30 कहता है? द राइट इज गिवेन टू माइनॉरिटीज टू फॉर्म एंड गवर्न देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 इज ऑल्सो कॉल्ड चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट। सो माइनॉरिटी का आप ये सोचिए माइनॉरिटीज का जो है उसका डिस्टिंक्ट कल्चर, उसके डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उसके डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करने हैं। माइनॉरिटीज को रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो निश्चित रूप से माइनॉरिटीज को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए स्कूल कॉलेज इस्टाब्लिश कर सके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सके। सो ये राइट आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को दिया हुआ है, जिसको चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 31, ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए माइनॉरिटीज का यहां पर दो कैटेगरी हो रहा है, रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो सकती है। यहां पर हम पॉपुलेशंस को ही ध्यान में रखते हैं बेसिकली। ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी इच्छा के अनुसार। जितने भी माइनॉरिटी हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश एंड गवर्न करने के लिए इंटाइटल्ड है, उनके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 32, द स्टेट शैल नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये स्टेट को एक अलग से डायरेक्शन है, स्टेट को एक अलग से डायरेक्शन ये है कि स्टेट जब ग्रांट देगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो ग्रांट देते समय ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि हम ये माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशन को नहीं देंगे, हम मेजोरिटी वाले को देंगे, चाहे मेजोरिटी वाले को नहीं देंगे माइनॉरिटी वाले को देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये डिस्क्रिमिनेशन मना किया गया स्टेट को, अगर स्टेट ग्रांट दे रही है तो उसका कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए, माइनॉरिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 के पार्ट है,
उसमें माइनॉरिटीज के राइट के बारे में चर्चा की गई है। अच्छी बात है। प्रश्न यह उठता है कि हम माइनॉरिटी डिसाइड किसे करें, किसको हम माइनर माने। कहीं ना कहीं कुछ तो डिफाइन किया गया होगा, किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि ये माइनॉरिटी पे है, ये माइनॉरिटी पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया तो अपने आप में एक पॉपुलिस्ट कंट्री है, जनसंख्या का बहुत बड़ा महासागर जो है इंडिया में पाया जाता है, एंड कुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया इज ए मल्टीट्यूड ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज। सो संसार के द्वितीय सबसे बड़े जनसंख्या के वाले देश होने के चलते भारत जो है विभिन्न प्रकार के रिलीजियस कम्युनिटीज का कंट्री है। सो यहां पर विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं, राइट। हिंदूस कवर नियरली 80% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। सो एक अनुमान है कि इंडिया में हिंदू जो है लगभग 80% है। 80% है तो मेजोरिटी में होंगे, है इंडिया में 80% जो हिंदू है, 80% हिंदू है सपोज टू बी इन मेजोरिटी। बाकी लोग लगभग 18 करोड़ मुस्लिम है, लगभग 3 करोड़ क्रिश्चियन है, लगभग 2 करोड़ सिख हैं, लगभग 45 लाख जैन है। अप्रोक्सीमेट डेटा है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 80% हिंदू पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ क्रिश्चियन पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ सिख पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 45 लाख जैन है। तो देख रहे हैं ना कैसे कैसे पॉपुलेशन का ग्राफ गिर रहा है। सबसे कम जैन हो रहा है, इनसे ज्यादा सिख है, इनसे ज्यादा क्रिश्चियन है, इनसे ज्यादा मुस्लिम है, और सबसे ज्यादा हिंदू है। ये इंडिया का डेमोग्राफी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में माइनॉरिटी किसको कहा जाएगा, और इसलिए माइनॉरिटी टर्म जो है कंट्रोवर्शियल बन जाता है। इंडिया जो है देश के हिसाब से पॉपुलेशन अलग हो गया, राज्य के हिसाब से उनका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो गया। सिख पंजाब में मेजोरिटी में हो सकते हैं, बिहार यूपी में मेजोरिटी में होंगे क्या? नहीं होंगे। जैन किसी स्पेशल राज्य में वो पॉपुलेशन कम है, क्रिश्चियन किसी स्पेशल राज्य में मेजोरिटी में हो सकते हैं, बाकी राज्यों में मेजोरिटी में है क्या? नहीं है। तो क्या एक ब्रॉड इंडिया लेवल पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी का ग्राफ खींचना सही रहेगा? प्रश्न ये उठता है। जब स्टेट अलग अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, स्टेट के सर्विसेज अलग अलग हैं, सेंट्रल के सर्विसेज अलग 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 हैं, तो सेंट्रल लेवल पे जो डिसाइड हो गया वही माइनर रहेगा, वही मेजर रहेगा? क्या स्टेट के पास कुछ भी अपना रोल नहीं बचता? जो क्रिश्चियन इंडिया में माइनॉरिटी में है वो केरला में भी माइनॉरिटी में रहेगा, जो मुस्लिम इंडिया में माइनॉरिटी में है वो कश्मीर में भी माइनॉरिटी में रहेंगे, जो सिख बाकी जगहों पे माइनॉरिटी में है, इंडिया में माइनॉरिटी में है, पंजाब में भी माइनॉरिटी में हो जाएंगे? ये कुछ लॉजिक बनता नहीं है, जम नहीं पा रहा है। इसलिए ये आवश्यक हो गया था कि माइनॉरिटी टर्म्स को डिफाइन किया जाए, कहीं ना कहीं डिफाइन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि माइनॉरिटी टर्म जो है स्टेट टू स्टेट इट विल डिफर, और जब स्टेट टू स्टेट इट विल डिफर, तो जहां पर अगर भारत में हिंदू मेजोरिटी में है
तो हो सकता है कि नागालैंड में वो माइनॉरिटी में हो सकता है, तो वहां पर उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। हो सकता है कि कश्मीर में माइनॉरिटी में है, वहां पर उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। जो सिख पंजाब में मेजोरिटी में है, हो सकता है कि बिहार यूपी में माइनॉरिटी में है, तो उनको माइनॉरिटी का वहां पर स्टेटस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कई बार वर्डिक्ट आया है। गवर्नमेंट क्या करती है, कंक्रीट डेफिनेशन जो है माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो जब कंक्रीट डेफिनेशन माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया है तो कंफ्यूजन तो रहता है। कंफ्यूजन को दूर किया गया, कब दूर किया गया, द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी एक्ट 1992, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी एक्ट 1992, इन माइनॉरिटी एक्ट पहले का है, अमेंडमेंट किया गया 1992 में, हैज रिकॉग्नाइज्ड सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दैट इज ये जो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी है, इन्होंने सिक्स कम्युनिटी को माइनर डिटरमाइन किया है। किसको किसको, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, ये पांच हो गए, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, पारसी, इन चार को माइनर 1992 में माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि जैन जो 45 लाख है वो माइनॉरिटी में नहीं है, 92 में नहीं दिखा गवर्नमेंट को, 92 में जैन माइनॉरिटी में नहीं दिखे, वो मेजोरिटी में दिखे। तो 2014 में गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट आती है, और 2014 में जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो जैनिज्म को भी, जैन को भी माइनॉरिटी में डालती है, और तब पांच से बढ़कर के सिक्स कैटेगरी हो जाती है। सो एज ऑन डेट माइनॉरिटी की इंडिया में सिक्स कैटेगरी है ऑल इंडिया लेवल पे, दिस इज अबाउट ऑल इंडिया लेवल, स्टेट लेवल इट मे डिफर। सो आप देख सकते हैं ये डेटा, 1992 में पांच को रिकॉग्नाइज किया गया है, पांच कैटेगरी को माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया गया, और 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जैनिज्म को भी माइनॉरिटी में डाला, तो अभी सिक्स कैटेगरी है माइनॉरिटी के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी इट डिसाइड्स हु विल बी मेजर एंड हु विल बी माइनर। कमीशन डिसाइड करती है कि माइनॉरिटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, नेशनल लेवल की बात हो रही है। जब स्टेट लेवल की बात आती है तो कई बार गवर्नमेंट ने भी बोला है, कोर्ट ने भी बोला है कि ऐसा है साहब कि स्टेट लेवल पर स्टेट को डिसाइड करना चाहिए। देखें कब होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी। सो जितने भी फंडामेंटल राइट है, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबके राइडर्स हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ऑब्सोलीट राइट कुछ नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में लगता है कि ऑब्सोल्यूट है, ऑब्सोलीट है नहीं है। अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो कोर्ट उसको कैपिटल पनिशमेंट देती है और उसे फांसी की सजा दी जाती है, उसको फांसी दिया जाता है, हैंग टिल डेथ किया जाता है। तो राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहां रची रही, कंडीशन है ना, कोई देशद्रोह का काम करे, कोई हमारे सीमाओं पर आकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसको मारना जस्टिफाइड है। तो इसलिए जितने भी फंडामेंटल राइट है सबके कुछ अपने लिमिटेशन है, बिना लिमिटेशन का कोई राइट हो नहीं सकता, नहीं तो ट्रैनी क्रिएट हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी के ग्राउंड पे इसमें से किसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1), ये राइट अंडर आर्टिकल 25, राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 1D, 19(1D,
राइट अंडर आर्टिकल 26. सो जो राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(d) है उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मोरलिटी के नाम पे, बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मोरलिटी के नाम पे. आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के फ्रीडम है. 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स आर गिवेन इन आर्टिकल 19. दे आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. सो 6 प्रकार के राइट फ्रीडम राइट इनको बोलते हैं. 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम राइट्स आर गिवेन इन आर्टिकल 19. ये जो राइट है ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज नेसेसरी, बट इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज नॉट टोटली अनरिस्ट्रिक्टेड. आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, आप उतने ही दूर तक अपनी हाथ फैला सकते हैं जहां तक मेरी नाक टच नहीं करती है, ऐसा कहा जाता है. अगर आप हाथ उतने लंबे फैला दिए कि मेरे नाक को टच करने लगा, यू हैव वायलेटेड माय राइट. आपको अपने अधिकार का जितना सदुपयोग करना है कीजिए, लेकिन मेरे राइट पे, मेरे अधिकार पे आप इंफ्रिंजमेंट नहीं कर सकते. और ये जो नहीं कर सकते वाला कंसेप्ट है, इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, इसी को बोलते हैं लिमिटेशन, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन. सो हर राइट में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है. सो आर्टिकल 19 का जो पहला राइट है, 6 टाइप के हमने फ्रीडम राइट बोले, पहला जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हमें कहीं भी कुछ भी बोलने की, कहने की स्वतंत्रता है. हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये अब्सोल्यूट नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, कंप्लीट नहीं है. ये स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन नेशंस, फॉर पब्लिक ऑर्डर्स, विद रिस्पेक्ट टू डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये सब रेस्ट्रिक्शन है, आप जो मन करे सो बोल लीजिए, कोर्ट की शिकायत नहीं कर सकते. आप जो मन करे सो बोल लीजिए, देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते. आप जो मन करे सो बोल लीजिए, वैसे नेशन जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उनके अगेंस्ट में आप अपशब्द नहीं कर सकते. तो ये जो है, आप जो बोलना है सो बोल लीजिए, लेकिन पब्लिक पीस एंड प्रोस्पेरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो हर फ्रीडम के साथ लिमिटेशन है. इस लिमिटेशन को फॉलो करेंगे तो ये फ्रीडम भी फॉलो होगा. इस लिमिटेशन को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो ये फ्रीडम अपने आप कर्टेल हो जाएगा. दूसरा फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू असेंबल. हमें अपने मनपसंद लोगों के साथ असेंबल होने का, कहीं इकट्ठा होने का राइट है, अधिकार है. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कहीं एक जगह पे इकट्ठित होने का हमारा अधिकार है. अधिकार पूर्ण है क्या? बिल्कुल पूर्ण नहीं है. इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है. किस चीज का रेस्ट्रिक्शन है? इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड पब्लिक ऑर्डर. आप पीसफुल कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, देश के विरुद्ध नहीं कर सकते, देश की इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं कर सकते. अगर उसको छूट दे दी जाए तब तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही आतंकवाद में कन्वर्ट होने का डर रहेगा. सो इसलिए छूट है, लेकिन देश के अखंडता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं. और इस छूट का अगर फायदा वहां पर उठाया जाता है तो वहां वो राइट जो है कट हो जाएगी. तीसरी राइट जो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. जी हाँ, प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठन
बनाने की, यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। कोई गिल्ड एसोसिएशन बनाता है, कोई एम्प्लॉयर एसोसिएशन बनाता है, कोई एम्प्लॉई एसोसिएशन बनाता है, कोई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाता है। बनाओ भाई, सबको अधिकार है, बना लो, कोई परम समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ यही है कि आपका एसोसिएशन किसी भी स्थिति में इंडिया के इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ न करे। अगर करता है, कट कट कट, आपका राइट वहीं से समाप्त हो गया। जानते हैं डिफेंस सर्विसेज में यूनियन बनाने का परमिशन नहीं है, पुलिस में भी यूनियन बनाने का परमिशन नहीं है। उसके लिए अलग से लॉ बना करके और उस डिपार्टमेंटल लॉ को उस डिपार्टमेंट के लोगों पर इम्पोज किया गया है। एक है द पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966, और 1966 में ये एक्ट जो है पुलिस पर्सनल को यूनियन बनाने से रोकता है, नहीं बना सकते। डिफेंस में कहीं यूनियन नहीं होता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज पार्लियामेंट टू पास अ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। सो जो आर्म फोर्सेस में है वे लोग अपना किसी न किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एसोसिएशन, पार्टीज नहीं बना सकते। इसको भी पार्लियामेंट रोकती है, मना करती है, राइट। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले नहीं बना सकते, टेलीकम्युनिकेशन वाले नहीं बना सकते, ये सब रेस्ट्रिक्शन है उनपे। आप ये आर्टिकल 19 का सिक्स फ्रीडम है, जिसमें से तीन की चर्चा हम कर चुके हैं, बाकी तीन की चर्चा आगे कर रहे हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, इंडिया में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता है, सबको है। जहां से मन करे वहां चले जाइए, दिल्ली से मुंबई आ जाइए, मुंबई से दिल्ली चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको सब जगह घूमने की आजादी है। आप चाहे तो गेटवे ऑफ इंडिया देख लीजिए और नहीं तो इंडिया गेट देख लीजिए, कोई मनाही नहीं है। A citizen of India can move freely throughout the territory of India, but this right can also be restricted on the ground of security, public order, or for protecting the interest of scheduled tribes. So, कई जगहों पे दंगा भड़कने का डर रहता है, कई जगहों पे उकसाऊ भीड़ होती है, कई जगहों पे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने का डर रहता है। वहां पर कर्फ्यू लगा देते हैं, बोले नहीं इधर नहीं जाना है जी, तो टाइम बींग के लिए उस एरिया को भी रोक दिया जाता है। कुछ ट्राइबल एरिया है, उस एरिया में भी घूमने की मनाही है। सो फ्रीडम टू मूव फ्रीली है विद सम रेस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, भारत का प्रत्येक नागरिक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी राज्य में जाकर के बसने का, रहने का अधिकार रखता है। भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि ही कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। रेस्ट्रिक्शंस, निश्चित रूप से कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। आपने 370 को जब चेंजेज हुए तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा बाहरी वाला नहीं रह सकता था। बाकी कुछ और भी स्टेट्स हैं, ट्राइबल एरिया वाले स्टेट्स हैं, जहां पे इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, अब जब प्रोफेशन की बात आती है, व्यवसाय की बात आती है, तो सबके अपने अलग अलग स्किल होते हैं, अपने अलग अलग उनके प्रतिभाएं होती हैं, और अपनी प्रतिभा को निखारते हुए व्यक्ति कुछ इस प्रकार का प्रोफेशन करना चाहता है, कुछ इस प्रकार का रोजगार करना चाहता है, जिससे उसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके और वो अपने एक 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 लेवल तक पहुंच सके, ग्रोथ उसका हाई हो सके। इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुसार, जिसको पेन बेचना है वो पेन बेचे, और जिसको पेन की फैक्ट्री लगाना है वो पेन की फैक्ट्री लगाए, कोई मना ही नहीं। जिसको पेट्रोल बेचना है पेट्रोल बेचे, जिसको पेट्रोल लेना है पेट्रोल ले, और जिसको पेट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है वो रिलायंस के साथ प्रोसेसिंग यूनिट लगा ले, कोई मना ही नहीं है। सो इंडिया में सबको हर प्रकार के प्रोफेशन करने की छूट है। पूरी छूट है क्या? नहीं जी, रेस्ट्रिक्शन यहां भी है। क्या
provided that the trade or occupation is not illegal or immoral. बंदूक बनाने का लाइसेंस है क्या? परमिशन है क्या? लाइसेंस तो छोड़ दीजिए, जिसको मन करेगा वही कट्टा फैक्ट्री खोल लेगा, गन फैक्ट्री खोल देगा, हाँ कारतूस उसके बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। स्टैंड मशीन गन बनाने लगेंगे, डू करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रोफेशन चुनने की आजादी है, बट वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, क्राइम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बाकी हर प्रकार का ट्रेड करने का हमारे पास अधिकार है, ये हमारा आर्टिकल 19 ये हमें अधिकार देता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन इज गारंटीड टू ए हिंदू दैट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन इज गारंटीड टू ए हिंदू दैट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हिंदू में इनमें से कौन कौन आता है? हिंदू में बुद्ध आते हैं क्या? हिंदू में जैन आते हैं क्या? हिंदू में सिख आते हैं क्या? हमें तो बताया जाता है कि हिंदू अलग है, सिख अलग है, जैन अलग है, बौद्ध अलग है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग है क्या? अलग है, बिल्कुल अलग है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 है। जो आर्टिकल 25 में जो राइट फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन है, उसमें हिंदू जो वर्ड है उस हिंदू में बुद्धिज्म, जैन एंड सिख इंक्लूड है। द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। नोट कर लीजिए आप, ये देखिए आर्टिकल 25 है आपके सामने है। सो आर्टिकल 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सो आर्टिकल 25 में क्या है? हमें पूर्ण स्वतंत्रता है जिस धर्म को, जिस पंथ को हम मानना चाहते हैं उसको माने और प्रैक्टिस करने की और प्रोपगेट करने की, मतलब हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजंस। सिटीजन की है, नॉन सिटीजन का नहीं है। द अबव मेंशन फ्रीडम आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। सो ये आजादी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में पब्लिक ऑर्डर को ही डिसऑर्डर कर देंगे क्या? नहीं चलेगा। हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में उस क्षेत्र के हेल्थ को ही हम अनहेल्दी कर देंगे क्या? नहीं चलेगा। हम अपने मजहब के, धर्म के, रिलीजन के प्रचार प्रसार में मोरलिटी को ही अफेक्ट कर देंगे, लोगों को ई मोरल बना देंगे? नहीं चलेगा। These are the restrictions against Article 25. This article also gives a provision that the state can make laws. State law बना सकती है that regulate and restricts any financial, economical, political or other secular activities associated with any religion practice. उसके लिए rule बना देगी कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। Parliament को power दे रही। That provides for the social welfare and reform. और ओपनिंग अप ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल सेक्शंस एंड क्लासेस ऑफ हिंदूस अंडर दिस प्रोविजन। ये आप देखिए, अंडर दिस प्रोविजन हिंदूस आर कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग द पीपल प्रोफेसिंग द सिख, जैन, बौद्धिस्ट रिलीजन एंड हिंदू इंस्टीट्यूशंस शैल ऑल्सो बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। So, यहां पर ये आर्टिकल 25 में हिंदू टर्मिनोलॉजी है, इस हिंदू के अंदर ही सिख, जैन और बुद्धिस्ट आते हैं,
कहां से कहां हम भटक चुके हैं अपने पॉलिटिकल गेन को हासिल करने के लिए, कितने विभेद हम पैदा कर चुके हैं, कितने क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। आप ये देखिए आर्टिकल 25 आपको बता रहा है, पीपल ऑफ द सिख फेथ वियरिंग एंड कैरिंग द कृपाण शैल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। सो सिख रिलीजन को जो प्रैक्टिस करते हैं उनको कृपाण कैरी करने का परमिशन है, बाकी लोगों को नहीं है। सिख वाले जो सिख रिलीजन के लोग भाई जो लोग हैं वो कृपाण कैरी कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्फर्मेंट ऑफ पद्म अवार्ड्स डस नॉट अमाउंट टू कन्फरिंग टाइटल अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 18 के बारे में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 18 को बनाने के पीछे, आर्टिकल 18 को जब फ्रेम किया जा रहा था तो उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने किसी को दीवान साहब बना दिया था, कोई राजवाड़ा होता था किसी को राजा साहब बना दिया था, किसी को रैयतदार साहब बना दिया था, किसी को कोतवाल साहब, विभिन्न प्रकार की पदवियां जो है अंग्रेजों ने दिया था, जो जितने अंग्रेजों के नजदीक थे, जो जितने अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे उसी के हिसाब से उनको वो पदवियां अंग्रेजों ने दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी, ऐसा क्या था कि महात्मा गांधी से अंग्रेज प्रसन्न हो गए थे और महात्मा गांधी को उन्होंने कोई उपाधि दी थी, कमेंट बॉक्स में डालना है। सो अंग्रेज उस समय लोगों को कई प्रकार के डेकोरेटिव टर्म्स देते थे और उसको लोग यूज करते थे, दीवान सोनसो, जमींदार सोनसो, ऐसा लोग लिखते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने लगा, फ्रेम होने लगा, तो ये प्रश्न आया कि इन लोगों को अलग रखा जाए या आर्टिकल 14 के अनुसार इनको आउट कर दिया जाए। तो आर्टिकल 14 18 से पहले था जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात थी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात थी, राइट फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर एवरीथिंग इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो जब सभी लोग एक हैं तो जो टाइटल पहले से दिए हुए हैं उनको विड्रॉ किया जाता है, ऐसा आर्टिकल 18 में मेंशन किया गया है। सो आर्टिकल 18 के अनुसार अब कोई भी रैयतदार सोनसो, दीवान सोनसो ये नहीं लिख सकते, लिखना अपने आप में क्राइम हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ पद्मा अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू कन्फरिंग टाइटल अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। देखिए ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अ पर्सन नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड ही शी कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अ पर्सन नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये गलत हो गया, ये गलत है। किसी भी इंडियन पोस्ट पर आने के लिए इंडियन सिटीजन होना आवश्यक है। अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो आप किसी भी ऑफिस को, किसी प्रॉफिट ऑफिस को, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिस को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सो ये थर्ड जो है गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सो थ्री इज नॉट करेक्ट, ठीक है, थ्री इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर बोल रहा है कि नॉन सिटीजन, ए पर्सन नॉट बीइंग ए सिटीजन, नॉन सिटीजन को हम कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। सो इसलिए थ्री इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। आर्टिकल 18, आइए देखते हैं आर्टिकल 18 के बारे में, व्हाट डज आर्टिकल 18 सेस। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल की एवोल्यूशन का, समाप्ति का बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं? No title not being a military or academic distinction shall be conferred by state. Exception यहाँ पे लगा दिया। No title not being a military or academic. आप देखेंगे military में क्या लिखा जाता है? Brigadier so and so, group captain so and so, air commodore so and so, wing commander so and so, air marshal so and so, general so and so। ये जो title है
ये ऑथराइज है, ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है, उसको एक्सेप्शन में दिया गया है कि डिफेंस वाले जो हैं उनको अगर उनको कोई वीर चक्र मिलता है, पद्म चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है, तो वो एक्सक्लूड किया गया है, वो मिल सकता है। दैट शैल बी। एंड एकेडमिक का क्या है, जितने लोग पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर सो एंड सो। डॉक्टर एक तो वो होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, तो डॉक्टर हो जाते हैं, और आप किसी भी भाषा में पीएचडी कर लीजिए आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। दैट मीन्स यू आर डॉक्टरेट इन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। सो उसको यहां पर एक्सक्लूड किया गया, बाकी जगहों पर टाइटल नहीं लगेगा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी विदेशी संस्थान से, किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी प्रकार का पदवी टाइटल धारण नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा देश हमें अगर देता है एज ए सिटीजन, हम धारण नहीं, ग्रहण नहीं कर सकते। जो हेड ऑफ द नेशन होते हैं उनका रूल अलग होता है। नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल फाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट without the consent of the president any title from any foreign। So किसी अगर किसी कारण से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई नॉन सिटीजन है, अगर कोई नॉन सिटीजन है, अगर रूल बना दिया गया और कोई नॉन सिटीजन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो भी वो किसी फॉरेन कंट्री का अवार्ड नहीं ले सकता without the consent of the president। अवार्ड तभी लेंगे जब प्रेसिडेंट का कंसेंट होगा। No person holding any office of profit or trust under any state shall, without the consent of the president, accept any present emoluments or office of any kind from or under any foreign state right to freedom। So, आप अगर मान लीजिए कि हम लेबर डिपार्टमेंट में हम कुछ ऐसा करते हैं कि कोई विदेशी संस्था हमसे प्रसन्न हो गई और वो हमें कुछ टाइटल देना चाहती है, उसको लेने के लिए प्रेसिडेंट साहब के परमिशन की आवश्यकता है। अगर प्रेसिडेंट साहब परमिशन नहीं देते तो विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट साहब ना हम कोई टाइटल ले सकते हैं, ना कोई हम इमोलूमेंट ले सकते हैं, ना कोई गिफ्ट ले सकते हैं, ना उसके कोई किसी काउंट में काइंड में ले सकते हैं। ये तो हमारे CCS बुक में भी लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 18 जो है दैट टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ टाइटल। Abolition of title is applicable to all citizen except armed forces personnel, except distinct academic education। किसी भी foreign person से हम किसी भी प्रकार का emolument, present, gift नहीं ले सकते without the sanction of President of India। आपका channel SEKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीट कैन बी सूड अगेंस्ट अ प्राइवेट ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर फेलर टू गिव इफेक्ट टू रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। सो रीट की बारे में बात हो रही है। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का, या 226 पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का, आर्टिकल 32 जो है अपने आप में फंडामेंटल राइट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। सो जब भी हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं उसके साथ हम रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है रिट इश्यू करने के लिए। रिट मीन्स स्पेशल पावर है, स्पेशल राइट है उस कोर्ट का कि वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। वो मैंडावस हो सकता है, वो प्रोहिबिशन हो सकता है, वो को वारंटो हो सकता है, वो सर्चियो रैली हो सकता है, वो हैवियस कॉर्पस हो सकता है। पांच प्रकार के रीट होते हैं। यहां का प्रश्न ये है कि विच कैन बी इशूड अगेंस्ट ए प्राइवेट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में इसमें से कौन सा इशू किया जा सकता है? मैंडमस इशू किया जा सकता है। इन चारों नहीं, पांचों के बारे में, पांचों के बारे में हम यहां पर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सो जैसा कि हमने बताया आपको, पांच प्रकार के रिट्स होते हैं। हेवियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चियोरेरी, प्रोहिबिशन
कोवारंटो। हैवियस कॉर्पस जो है एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है जिसकी जिसका मीनिंग होता है हैव द बॉडी। हैव द बॉडी क्या होता है, अगर किसी पर्सन को इलीगली अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है और पिटीशन डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि उनको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, तो उस इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट रीट ऑफ हेवियस कॉर्पस इशू करती है उस डिटेनिंग अथॉरिटी को, ये डायरेक्शन देते हुए कि उस सो एंड सो पर्सन को जिसको आपने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, ब्रिंग हिम टू द कोर्ट एंड गिव द रीजन ऑन विच ग्राउंड यू हैव डिटेन्ड हिम, ऑन विच ग्राउंड यू हैव अरेस्टेड हिम। इफ द ग्राउंड इज इलीगल ही विल बी इंस्टेंटली फ्रीड फ्रॉम द कोर्ट। सो हेवियस कॉर्पस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिट है टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। सेकेंड रिट मैंडामस। मैंडामस का मतलब वीक कमांड, मतलब कोई सुप्रीम ऑर्डर हम देते हैं। क्या होता है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। क्या है, गवर्नमेंट को राशन देना है, ये कुछ रूल बना हुआ है, और अगर वो राशन नहीं देते हैं, चाहे उनको वो फार्मर्स को लोन देना है और वो लोन नहीं देते हैं, अगर वो पब्लिक राइट है, डिमांडेड है एंड डिनाइड है, दैट पर्सन कैन गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट कैन इशू मैंडामस, रीट ऑफ मैंडामस। नहीं नहीं आप आपके रूल के अनुसार ये पे करना चाहिए, आप कीजिए इसको। जैसे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना है, बर्थ सर्टिफिकेट किसी ने डिमांड किया, उसके बर्थ सर्टिफिकेट को डिमांड किया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया, ही कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिकॉज इट इज हिज राइट एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू बर्थ सर्टिफिकेट। सो जहाँ कहीं भी आपके राइट हैं और वो राइट परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, एवरी सिटीजन हैज राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इशू रीट ऑफ मैंडामस, राइट। थर्ड सर्चियरी टू बी सर्टिफाइड टू फेस द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड। क्या होता है, कोर्ट में कई बार ऑर्डर कुछ पास हुए, सेशन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए और जो अपोजिशन पार्टी है उसको लगता है कि ऑर्डर जो है इलीगल है, तो वो हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट के पास अपने जस्टिफिकेशन देंगे एंड इफ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन हाई कोर्ट कैन इशू रीट ऑफ सर्चियोरेरी। और रीट ऑफ सर्चियोरेरी जैसे इशू होगा, जो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपने आप ही क्वैश हो जाएगा। सो अगर पहले से ही ऑर्डर है उसको क्वैश करना है तो सर्चियोरेरी, और अगर प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस को रोकना है तो प्रोहिबिशन लगाते हैं। रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज रिलेटेड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस वेयर एवर इट इज इलीगल प्रोसेस इफ इट इज को वारंटो। जो को वारंटो है फिफ्थ टाइप ऑफ रीट है। सो को वारंटो का मीनिंग होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, शो योर अथॉरिटी। होता यह है कि मान लीजिए कि एक कोई पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का मरोल में, तो मरोल में कोई एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का, एक ही पोस्ट है, तो किसी बेंगलोर वाले ने बेंगलोर वाले को कोई पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिया गया कि आप जाकर के मरोल में ज्वाइन कीजिए, और मरोल वाले ने वैकेट नहीं किया है तो आपको बैठने नहीं देगा, तो मरोल वाला खाली नहीं कर रहा है और नहीं तो आप कहीं जबरदस्ती उस पर कैप्चर करके बैठ गए, तो इन दोनों कंडीशन में कोई ना कोई किसी न किसी एक का तो राइट गड़बड़ हो रहा है। सो द पर्सन हुज राइट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड ही कैन मूव टू कोर्ट। कोर्ट जहां पर जब जाएंगे तो कोर्ट पूछेगी दूसरी पार्टी से, शो योर अथॉरिटी ऑन विच बेसिस यू आर क्लेमिंग टू बी असिस्टेंट डायरेक्टर इन मरोल। तो जो बेंगलोर से जो ट्रांसफर आए हैं वो अपना रिलीज ऑर्डर दिखाएंगे, कुछ ट्रांसफर ऑर्डर दिखाएंगे, कुछ हेडक्वार्टर का ऑफिस ऑर्डर दिखाएंगे। अगर वो सक्सीड हो जाते हैं तो वो उस पोस्ट पे बैठ जाएंगे और वहां वाले को हटा दिया जाएगा, और नहीं तो वहां वाले अपना दिखाते हैं पेपर कि इस पेपर के अनुसार मेरा यहां पर राइट बनता है, तो उनका राइट इस्टाब्लिश होगा, उनका नहीं होगा, दोनों में से किसी एक का ही इस्टाब्लिश होगा। तो जो को वारंटो है,
Quo warranto is issued to restrain a person from holding a public office which is not entitled. जो entitled नहीं है उनको रोकने के लिए quo warranto issue किया जाता है. ये पांचों रीट बहुत important है. शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर इंडिया में होगा जिनमें ये रीट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों. मैंने इसीलिए इसको जानबूझ करके फिर से यहां पर डाला है. रीट का क्लास अलग है, उसको आप पब्लिक एडमिन के क्लास में भी हमने रीट डाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हमने डाला है, पॉलिटी में भी हमने डाला है, उसको आप देख करके विस्तार से समझ सकते हैं. तो इस तरीके से हमने ये पूरे के पूरे पांच क्वेश्चन के द्वारा पांच चैप्टर हमने सॉल्व किए. उम्मीद है आपको हमारे ये समझने समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा. अगर आ रहा है तो लाइक दबा दीजिएगा, और अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा दीजिए. कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आप लिखते हैं कच्चा पक्का हमारा मोटिवेशन लेवल अप करता है, इंस्पिरेशनल हो जाता है हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है, रिवाइटल का काम करता है. सो टाइम निकाल करके पढ़ा कीजिए. आपको मैं बता दूं एग्जाम में सक्सेस होने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. क्या? कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड परसीवरेंस. ये तीन अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको हमने बताया है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. आसमान में भी छेद हो सकते हैं, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, हो जाता है. किसी ना किसी का तो सिलेक्शन हो रहा है ना. Somebody is getting selected. Why somebody is getting selected? Why I am not getting selected? That's the question. And for that answer is continuity, consistency, perseverance. इन तीनों को चिपक के रखिए. रातों रात कोई महल नहीं बन जाता और हथेली पर दही नहीं जमा करते. इसलिए कंटिन्यूटी आवश्यक है, कंसिस्टेंसी आवश्यक है, परसीवरेंस आवश्यक है. लास्ट मोमेंट में धैर्य खो दिए सब कुछ गायब हो जाएगा. इसलिए लगे रहिए अपने रफ्तार में, आज नहीं तो कल सफलता आपकी चरण चूमेगी. राइट? सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग. टिल देन नमस्कार, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. नमस्कार.